नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम 25 अगस्त 2021 भौतिक विज्ञान की जो वर्कशीट है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस वर्कशीट का वो है कि चालक गोले एवं अचालक गोले को आवेश देने पर यह आवेश किस प्रकार वितरित होता है, चित्र द्वारा समझाइए। विद्यार्थियों, हमें एक चालक गोला दे रखा है। इस तरीके से चालक गोला होता है, ये जैसे कोई चालक गोला है। इसको जब हम आवेश देंगे तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर ही विद्यमान रहेगा, क्योंकि किसी चालक को आवेश देने पर सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर ही विद्यमान रहता है। तो हमें एक डायग्राम के जरिए समझाना है। तो ये हमने दिखाया है एक चालक, और चालक के ऊपर जो आवेश है वो इस तरीके से वितरित होगा। फिर हमें कहा है कि यदि गोला कुचालक है तब उसका आवेश किस तरीके से विद्यमान रहेगा। यदि कुचालक गोले को ये हमारे पास में है कुचालक गोला, और इस कुचालक गोले को आवेश देने पर ये जो आवेश है इसके अंदर मौजूद संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आवेश है वो वितरित हो जाएगा। तो किसी चालक को दिया गया आवेश इस तरीके से होगा, तथा किसी कुचालक को दिया गया आवेश इस तरीके से विद्यमान होगा। अब हम इस वर्कशीट का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि चालक गोले को दिया गया आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से वितरित हो जाता है क्यों, इसे हमें समझाना है। देखिए विद्यार्थियों, ये जैसे हमारे पास में है कोई चालक गोला, और चालक गोले को दिया जाने वाला जो आवेश है संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। देखो इसका मतलब क्या है, यह आप लोगों को समझना है कि सारा का सारा जो आवेश है वो इसके पृष्ठ के ऊपर ही क्यों आ जाता है। इस पृष्ठ के ऊपर हम दिखा रहे हैं, तो ये हमारे पास में है कोई चालक गोला, और इस गोले पर आवेश हमने यहाँ पर दिखाया है। तो ये जो आवेश है वो इस गोले के पृष्ठ पर क्यों आ जाता है। तो देखिए, जैसे इस गोले के अंदर हम यहाँ पर ये कोई दो बिंदु ले लेते हैं ए और बी। बिंदु ए का विभव और बिंदु बी का विभव समान होता है, और बिंदु ए और बी दोनों के मध्य का जो विभवांतर है वो शून्य होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो विभवांतर यदि शून्य होता है तो विभवांतर की जो डेफिनेशन है वो होती है कार्य बट्टे में आवेश। तो विभवांतर शून्य, तो कार्य बट्टे में आवेश की वैल्यू शून्य, कार्य का जो मान है वो है शून्य। इट मीन्स यदि किसी आवेश को चालक गोले के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाया जाए, कि हम बिंदु ए से बी तक इसे आवेश को यदि लेकर जाएं, तो ले जाने में किया गया जो कार्य है वो शून्य होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई आवेश इस चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर रख दें तो वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि जाता है तो जाने में किया गया जो कार्य है वो शून्य होगा। इसका मतलब तो ये हो गया है कि यदि हम किसी आवेश को चालक गोले के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो ले जाने में जो किया गया कार्य है वो शून्य होगा। तो यहां पर जो कार्य है वो शून्य होगा, तब इस चालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होगा। आवेश क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, और आवेश प्रतिकर्षित होने के पश्चात ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि जहां पर उनके मध्य लगने वाला बल न्यूनतम हो। तो संपूर्ण आवेश प्रतिकर्षण के कारण से उसके पृष्ठ पर आ जाएगा। कौन सी बल की वजह से आएगा, प्रतिकर्षण बल के कारण से सारा का सारा जो आवेश है वो इस चालक गोले के पृष्ठ पर आ जाता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है,
कि अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए और बताइए कि दिशा क्या होगी। हमारे पास में एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है और उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरीके से ज्ञात की जाएगी। ये हमारे पास में कोई अनंत लंबाई का चालक तार है, इस तरीके से तार मौजूद हैं और इस चालक तार के ऊपर आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस तरीके से आवेश विद्यमान है। अब इस चालक के ऊपर कोई बिंदु है, ऐसे O हम कह दें, तो इससे स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु O से स्मॉल a दूरी ऊपर की ओर और स्मॉल a दूरी ही नीचे की ओर दो लंबाई के अल्पांश लेंगे। ये एक लंबाई का अल्पांश है, ये दूसरी लंबाई का अल्पांश है। इस लंबाई के अल्पांश में मौजूद जो आवेश है वो dq, इस लंबाई के अल्पांश में मौजूद आवेश फिर से dq। अब यहाँ से जो इस ऊपर वाले जो लंबाई के अल्पांश है इसके कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रिएट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, जिसे हम e1 से पुट कर देते हैं, और इस नीचे वाले dq आवेश के कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो e2 से हम पुट कर दें, वो इस डायरेक्शन में होगी। तो e1 तथा e2, या इसको अल्पांश की फॉर्म में लिखें तो इसको dE1 और इसको हम dE2 पुट कर देंगे। अब देखिए, हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, इसके लिए हम इस E1 तथा E2 को घटकों में वियोजित कर देंगे। यहाँ पर ये एंगल हम थीटा मान लें तो ये वाला एंगल भी हमारे पास में थीटा हो जाएगा, इनके सामने वाला ये एंगल भी थीटा, इसका ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब इस DE1 को हम घटकों में वियोजित करते हैं तो इस डायरेक्शन में हमारे पास में इसका घटक आ जाएगा DE1 cos थीटा और इस डायरेक्शन में निरक्षीय दिशा में इसका घटक आ जाएगा DE1 sin थीटा। इसी प्रकार से DE2 का अक्ष अक्ष दिशा में जो घटक है वो आ जाएगा DE2 cos थीटा और इस डायरेक्शन में इसका घटक आ जाएगा DE2 sin थीटा। ये हमारे पास में इनके घटक आ जाएंगे। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि इस DE1 की जो वैल्यू है, एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए, यदि इस वाली डिस्टेंस को हम r मान लें, ये वाली डिस्टेंस भी r हो जाएगी, तो DE1 की वैल्यू होगी हमारे पास में 1/4πε0 dq/r2। इसी प्रकार से DE2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4πε0 dq/r2। अब यहाँ पर इन दोनों सूत्रों से इसे इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, कि इन दोनों का जो परिमाण है वो समान होगा। दोनों का परिमाण क्या है, हमारे पास में इक्वल प्राप्त हो रहा है, परिमाण समान है बट इनकी डायरेक्शन भिन्न भिन्न है, इसलिए हमने इनको घटकों में वियोजित कर दिया। अब देखिए, निरक्षीय घटक देखिए, DE1 और DE2 समान है, तत्पश्चात ये जो DE1 साइन थीटा और ये DE2 साइन थीटा परिमाण में समान और एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण से एक दूसरे को निरस्त कर जाते हैं, जबकि अक्षीय घटक DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा परिमाण में समान और एक ही दिशा में होने के कारण से आपस में जुड़ जाते हैं। तत्पश्चात जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अक्षीय दिशा में होगी। तो यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस दिशा में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन फाइंड आउट की है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है वो हमें पूछ रहा है कि अनंत लंबाई के आवेश चालक तार के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस बिंदु पर चालक के दूरी के मध्य ग्राफ खींचिए। तो देखिए, किसी समावेशित, ये हमारे पास में एक समावेशित चालक तार है जिसकी लंबाई अनंत है। ये हमने इसके ऊपर मौजूद आवेश को दिखाया है, इसकी लंबाई अनंत है, अनंत लंबाई है इस चालक तार की, क्लियर। इसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर होगी, हमने अभी देखा था। और इससे E की जो वैल्यू है वो होती है 1/4πε0Q/r2। इसमें इसका जो फॉर्मूला है फिर से देखिए, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, 2λ/r, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम ग्राफ खींचें तो एक तरफ हम ले रहे हैं अक्ष, इस दिशा में हम ले रहे हैं दूरी, और वाई दिशा में हम ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र। यदि दूरी मीटर में है तो विद्युत क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलम में लिया जा सकता है। ई और आर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तत्पश्चात इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। अब देखिए, इस वृक्षशीट का जो अंतिम क्वेश्चन है वो हमारे पास में है कि अनंत लंबाई के आवेश चालक तार के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए और तीव्रता की गणना कीजिए। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम आपको एक वीडियो के जरिए समझाएंगे, जिसका जो वीडियो है हमारे इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दे रखी है। तो इस अंतिम क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखी है, उससे आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।